कि सकारात्मक, निगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव, निराश रहेंगे कि आशा में, तो हमारे पास आशाजनक जीवन होना चाहिए, निराशाजनक नहीं। तो दुश्मन हमें निराश करता है, अरे छड़वा पौला तो कहते अरे छड़वा के बाप निषाद राज को मिल गया किला, उसे मिल गया पूरा तत्व विभाग करने पहचान। क्या मिल गई, केवटा मल्हावा नीच बन के रहा है। अब कोई केवटा मल्हावा कहता कि निषाद जी, बोलो भाई। अभी सारे विभाग के अधिकारी बैठे थे और सारे बैठे थे, विधायक भी रहे कुछ लोग। मैंने डीएम साहब से कहा दो अधिकारी को, उन्होंने कहा अगली बार अगर गलत हुआ तो बैठे बैठे मुकदमा भी लिखवाऊंगा, तुम्हें जेल भी भेजवा के दिखाऊंगा कैसे होता। इसके बाद तुम्हारी पार्टी छोटी हो गई बहुत बड़ी हो, तो आज के बाद तुम्हें बड़ा बनना होगा। बड़ा तब बनोगे, भगवान राम तब बड़े हो गए, भगवान के रूप में पूजा तब होने लगी कि जब निषाद राज को गले लगा लिया। तुम बड़े तब होंगे, तुम बड़े तब होंगे, सपने तुम्हारे साकार तब होंगे। जाओ गांव के गरीबों को गले लगाओ और उसका हिस्सा दिलाओ, गरीबों की योजनाओं का लाभ दिलाओ, उन्हें नया रोजगार में हम लाते हैं। 30 तारीख को हर ब्लॉक में ऐसे पढ़ाई होगी, कैसे तुम्हारा पैसा आएगा, कैसे गरीबी खत्म होगी, कैसे होशियार हो जाओगे, कैसे तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। ऐसे ब्लॉक में बैठना, पढ़ाया जाएगा पर्दे पर। 6 घंटे की पढ़ाई है, गरीबी खत्म। अब क्या चाहते हो, गरीबी बीमारी है, गरीबी खत्म करना कि नहीं करना, बोलो भाई। तो गरीबी खत्म होगा जिसने भीम का कैलेंडर लगा लिया, जिसने बहन जी का कैलेंडर लगा लिया। उस समय में जब हाथी थी तो उसकी गरीबी रही कि खत्म हो गई, और जिसने नहीं लगाया कैलेंडर हो आज भी गरीब बना हुआ। जिसने जय श्री राम का, मोदी जी योगी जी का कैलेंडर नहीं लगाया, वो भाजपा का वो कार्यकर्ता आज भी परेशान है। जिसने लगा लिया दरोगा डर जाता है, सिपाही डर जाता है, और अधिकारी कर्मचारी कलम चलाने से उसके खिलाफ मर जाता है, नहीं चला पाता है। तो इस फोटो में बड़ी ताकत है। जब तुम्हारे घर में मेरा फोटो देखेंगे हमीरपुर में, कहेंगे अरे वो डॉक्टर साहब वाला भाई, लेकर एक दुआरे से चल चला, घूस उस में मांगा, बुलाएगा बुलाएगा, कहीं फार्म भरा, आई योजना आई वहां, आई पैसा ले चला, हम पानी पिया गाड़ी बैठा, तुम्हारा खाता भी खुलवाएगा, तुम्हें लोन भी दिलाएगा, तुम्हें अनुदान भी दिलाएगा, तुम्हें ज्ञान भी दिलाएगा, और तुम्हारा योजना भी लेगा, और तुम्हारा रुपया भी कमवाएगा, तुम्हारे बच्चों का भविष्य भी बनाएगा। ये तब संभव है जब तुम्हारे घरों में तुम्हारे नेता का, तुम्हारे भगवान का फोटो होगा, तब संभव है। तुम्हारे घर में ज्ञान चाहिए, और लायक बनने के लिए हमेशा काम करना पड़ता है। काम न करो तो कहते हैं देखो, लायक आदमी नालायक हो जाता है। खूब बढ़िया पढ़लस लिखलस और नौकरी नहीं पौलस, 10 साल तो खूब बढ़िया पढ़ रहा था, अगर कौन काम नहीं पौलस कर बादी में लखारन के सगरी पकड़ ले, यार वार उल्टा पुल्टा काम करे वालों के सगरी दिल्ली बम्बई भाग गए, तो कर ज्ञान खत्म हो गई। जब खत्म हो गए तब गांव वाले कहा कहे रोके लायक कि नालायक, मतलब जो साथी कैसन बा, लायक वाला बा नालायक वाला बा, तो कैसे साथियों से मोहब्बत होगा, बोलो भाई। तो कुछ बीचवा माही ला रहे हैं 5-6 महीना, 1 साल से 2 गोल चलता कि हम लायक